सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन, सब सेफ होंगे और मास्क और सैनिटाइजर का यूज़ कर रहे होंगे। तो आज अपने पीछे खड़ी तो ऑल न्यू BS6 2021 अपाचे RTR 164 भी आज इसी बारे में बात करने वाले, जो न्यू प्राइस है वो भी आ चुकी है बाइक से, जो हाइक हुई थी वो पर्टिकुलर इस बाइक की आ चुकी है, तो उस बारे में बात करूंगा और स्पेसिफिकेशन के बारे में भी बात करूँगा। तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है। पहले तो लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। लाल कलर का सस्ते वाला बटन है, छोटे तक नहीं दबाया, उसमें पूछा मारे कौन वो सब तब जाना चाहिए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते रहिए आर ब्लॉग। स्टार्टिंग फ्रॉम दी फ्रंट, सबसे पहले हमको देखने को मिल जाती है LED लाइट, जो कि आपको फ्रंट में DRL देखने को मिल जाते हैं, ऊपर नीचे LED देखने को मिल जाती है, हाई बीम लो बीम दोनों का ही आपको इसमें फीचर देखने को मिल जाएगा। पर्टिकुलर जो ये रेड कलर है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, आपको हल्का सा भी ऑरेंजेस दिख रहा होगा बट एक्चुअल में जो पूरे बाइक है रेड कलर की है। सिंगल चैनल ABS कहते हैं, जिसको सुपर मोटो ABS TVS कहता है, यानी कि सिंगल चैनल ABS कहती है बाइक आती है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाते हैं, रियर में मोनोशॉक देखने को मिल जाता है। ओवरऑल जो पूरा बाइक का लुक है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग निकल के आता है, और जो वहाँ पे सीट का टेक्सचर दिया अलग से वो भी अमेजिंग लुक प्रोवाइड कर दे रहा है बाइक को। नीचे आपको इंजन, आपको यहाँ पे कार्ड देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको टैंक हाउस देखने को मिल जाए, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। बल्ब इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। अभी पूरे स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं बाइक की, तो सबसे पहले बात कर ले जाए बाइक के फ्रंट टायर के बारे में। तो 90x90 सेक्शन का 17 इंच का आपको ट्यूबलेस रेडियल टायर्स के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि आता है 270mm की डिस्क ब्रेक के साथ। सिंगल चैनल ABS आती है बाइक आती है, नहीं आपको उसमें फ्रंट वाले टायर में ABS वर्क करने वाला है। और जो आपको रेड स्ट्राइप्स दे रखी हैं काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है, बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। जब बाइक चलेगी तो लुक जो है बाइक का एकदम एनहेंस हो जाएगा। वहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा सुपर मोटो ABS, तो यहाँ पे आपको सुपर मोटो ABS लिखा हुआ दिख रहा है। सिंगल चैनल ABS पे बाइक वर्क करती है। इसमें टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाते हैं, जिनकी जो कंफर्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखा गया है। ना आपको बहुत ज़्यादा स्टिफ देखने को मिलता है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड देखने को मिलता है, बिल्कुल परफेक्ट आपको उसके अंदर कंफर्ट देखने को मिल जाने वाला है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं बाइक के हर्ट यानी बाइक के इंजन के बारे में। अब अगर इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूँ तो 159.7 cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड BS6 कंपोनेंट आपको उसके अंदर इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि पहले से ज़्यादा पावर पंप आउट करता है। जो पहले पावर पंप आउट करता था ये 16.02 PS की, और जो पावर पंप आउट करता है वो 17.63 PS करता है। टॉर्क देता है वो आपको देखने को मिलता है 14.12 न्यूटन मीटर का, बट आपको जब टॉर्क देखने को मिलता है 14.73 न्यूटन मीटर का आपके अंदर टॉर्क देखने को मिल जाता है। यानी कि जो पहले से टॉर्क है, जो पावर फिगर्स है वो पहले से और ज़्यादा अच्छे कर दिए हैं। और जो 160 cc की सबसे ज़्यादा फास्ट बाइक है ये अभी इंडिया में आने वाली, 160 cc सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फास्ट बाइक है, सबसे ज़्यादा पावरफुल जो इंजन है अपाचे RTR 164V का ही आता है। आपको अपाचे लिखा हुआ दिख रहा होगा। डुअल बैरल एग्जॉस्ट के अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है, 5-speed के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये बाइक आती है। रेयर में आपको मोनोशॉक इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि एडजस्टेबल है, आप उसको अपनी नीड्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो कंपनी एडजस्ट करती है बिल्कुल परफेक्ट आपको एडजस्ट करके दे देती है। जो आपको फुटपैक की क्वालिटी वो अच्छी देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको राइडर के लिए रबराइज फुटपैक देखने को मिल जाते हैं, और जो पिलियन है उसके लिए आपको ये अलॉय के फुटपैक देखने को मिल जाते हैं, जो कि लॉक हो जाते हैं, यानी कि जब आप इसको हाई रेव करोगे तो वाइब्रेशन जो है बाइक में ज़्यादा नहीं आने वाला है। अगर इसके रियर टायर के बारे में बात करूँ तो 110x80 सेक्शन का 17 इंच का आपको इसके अंदर ट्यूबलेस रेडियल टायर देखने को मिल जाता है, आप इसको इजीली लेकर जा सकते हो, आपको कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ड्रम ब्रेक आपको अंदर रियर में देखने को मिलता है, एक जो डिस्क वाला वेरिएंट आता है उसका आपको 200mm की रियर में डिस्क देखने को मिल जाती है। पर्टिकुलर वाला भी जो वेरिएंट है ड्रम वाला वेरिएंट है, आप इसमें ड्रम और डिस्क दोनों ही ले सकते हो। आपको जो भी आपको नीड हो, जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो, उसके हिसाब से आप अपनी बाइक की तरफ जा सकते हो। रियर में आपको टायर हगर भी इसमें देखने को मिल जाता है। अब आगे चल के बात करूँ बाइक की टेल लाइट के बारे में, तो वही आपको सिमिलर अपाचे वाली LED टेल लाइट्स के अंदर देखने को मिल जाती है। बल्ब इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। आपको अपाचे RTR 164V लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, तो वही अपाचे RTR 164V की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। बैरल आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के देखने को मिल जाते हैं, जो कि रिजिड है अच्छी खास, जो पिले हैं उसको ईजिली ग्रैप करके बैठ सकते हैं, कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं आने वाली है। अगर मैं सीट के बारे में बात करूँ तो आपको अच्छी खासी लॉन्ग और वाइड सीट और सिंगल सीट देखने को मिल जाती है। अगर मैं कंफर्ट के बारे में बात करूँ तो अच्छा खासा आपको कंफर्ट देखने को मिल जाएगा राइडर और पिलियन दोनों के लिए, और जो पिलियन की सीट है वो भी अच्छी खासी वाइड आपको देखने को मिल जाती है। और अगर लॉन्ग राइड पे भी जाओगे तो दोनों को ही कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम जो है इसमें नहीं आने वाली है। अगर आप बात कर लेते हैं बाइक के फ्यूल टैंक के बारे में, तो आपको 12 लीटर्स का मैसिव इसके अंदर फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, जो कि आपको अच्छी खासी रेंज प्रोवाइड कर देने वाला है आपको ईजिली। अगर आपको लॉन्ग राइड पर भी लेके जा रहे हो तो आपको बार बार इसमें फ्यूलिंग कराने की कैसी भी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगेन यहाँ पर आपको RTR 164V लिखा हुआ दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूँ बाइक के चेन सिस्टम करना, तो आपको ओपन चेन सिस्टम इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि हर 400-500 किलोमीटर आपको चेन को क्लीन और ल्यूप करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है।
साइड से मेन स्टैंड दोनों ही आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं, आपको दोनों ही आप जो भी यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो। 5 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन की बाइक आती है जो कि 1 डाउन एंड 4 अप पे वर्क करता है। स्मूथ गियर बॉक्स है, मैं बोलूँगा 160 cc में, इससे ज़्यादा स्मूथ गियर बॉक्स मैंने आज तक किसी बाइक का नहीं देखा। मैंने पर्सनली वाली बाइक खूब चलाई है और जो गियर बॉक्स है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है इस पर्टिकुलर बाइक का। आपको अपाचे लिखा हुआ दिख जाता है। बाइक ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, फ्यूल टैंक भी अच्छा खासा आपको रेंज प्रोवाइड कर देगा और एक स्पोर्टी और एक अलग डिज़ाइन का आपको उसमें फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। तो अब अगर बात कर जाए बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लच से तो पूरा स्वाइप अप मारता है, 1 2 3 गो लिखा होता है, यहाँ पर टाइम लिखा होता है, जाएगा RPM लिमिट देखने को मिल जाती है, आपको ट्रिप देखने को मिल जाती है, ट्रिप के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, फ्यूलोमीटर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, टर्न सिग्नल की लाइट यहाँ पे, आपको इंजन मालफंक्शन लाइट, ABS की लाइट, हाई बीम लो बीम की लाइट, न्यूट्रल की लाइट, लो फ्यूल इंडिकेटर की लाइट। अगर उसमें चाबी गलत को इंसर्ट करने की कोशिश करेगा तो उसकी भी यहाँ पे आपको एक छोटा सा आइकन दिख रहा होगा की का, तो वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। लाइक जो इसके अंदर मोड्स आप वो सेट कर सकते हो, ट्रिप 1 ट्रिप 2 में आ सकते हो, अभी ऐसे मैंने ट्रिप 2 में आ सकते हो। हाई स्पीड दिखा रही है अभी, 65 की हाई स्पीड ये गई है, यहाँ पे आपको 0 to 60 का टाइम देखने को मिल जाएगा, 9.9 सेकंड्स में ये 60 गई थी बाइक। यहाँ पे आपको RPM की शिफ्ट लाइट देखने को मिल जाती है। अगर बात करूँ स्विच गेट्स के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के आपको स्विच गेट्स देखने को मिल जाते हैं, पास की लाइट देखने को मिल जाती है, हाई बीम लो बीम की लाइट, टर्न सिग्नल की लाइट देखने को मिल जाती है, यहाँ पे हॉर्न का स्विच आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। जैसे हमारे राइट हैंड साइड राइट साइड पर आपको इंजन किल स्विच देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे सेल्फ का बटन इसमें देखने को मिल जाएगा। जो रियर व्यू मिरर्स उनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आपको प्रीमियम क्वालिटी के रियर व्यू मिरर्स में देखने को मिल, अच्छा खासा आपको व्यू प्रोवाइड कर देने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ओवरऑल जो पूरी बाइक है काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट रखी गई है। आपको लॉन्ग टर्म में कोई बाइक चाहिए हो, 160 आपको डेली कम्यूट करने के लिए, जैसे हाईवे पर भी ले जाना चाहते हो, आपको माइलेज भी अच्छा चाहिए, तो आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो। आपको पहले से ज़्यादा अच्छी पावर देखने को मिल जाती है इसके अंदर, 160 cc की सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइक है, या अपाचे RTR 164 भी, तो आप इसी तरह बिल्कुल जा सकते हो, आपको लॉन्ग टर्म में कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी। और जो अपाचे की सर्विस है वो भी आपको ज़्यादा नहीं पड़ती है, सर्विस कॉस्ट भी आपको बहुत ही ज़्यादा मिनिमल आती है, तो बाइक बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप जाना चाहो इस बाइक की तरफ बिल्कुल जा सकते हो। तो ये सारी तो बातें हो गई बाइक के स्पेसिफिकेशंस और बाइक के फीचर्स के बारे में, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हुए आती है बाइक की प्राइस। तो ये जो वेरिएंट आपके सामने खड़ा है ये सिंगल डिस्क वाला है, तो सिंगल डिस्क वाले की जो ऑन रोड प्राइस है जयपुर में वो आपको देखने को मिल जाती है 1,36,821 रुपीज़ में, ये बाइक आपको ऑन रोड देखने को मिल जाती है। जो अभी न्यू प्राइस हाइक हुई है उसके अंदर आपको ये देखने को मिल जाती है 1,36,821 रुपीज़ में, आपको पर्टिकुलर ये वाली बाइक देखने को मिल जाती है। सिंगल चैनल ABS के साथ आती है और उसके अंदर फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलता है। बट जो स्कूप वाला मॉडल आता है इसमें आपको पीछे भी मतलब डुअल डिस्क वाला जो वेरिएंट आता है वो आपको देखने को मिल जाता है ऑन रोड जयपुर में 1,40,118 रुपीज़ में, आपको अपाचे RTR 164V का डुअल डिस्क वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है ऑन रोड जयपुर में। आपके सिटी में वेरी कर सकता है बट जयपुर में ये प्राइस आपको देखने को मिल जाती है, और ज़्यादा प्राइस फ़र्क नहीं होता, थोड़ा बहुत का ही फ़र्क आता है। तो अगर आप जाना चाहो तो इस बाइक की तरफ बिल्कुल जा सकते हो, आपको लॉन्ग टर्म में कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं आने वाली है। तो यही था अपने वीडियो अमेजिंग बाइक के बारे में। मुझे पता अगर आप वीडियो तक जरूर पसंद आएगी तो लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल शो रहा, उस पर फॉलो कर लेना, जो भी क्वेरीज आप मुझे DM कर सकते हो, मैं सभी के रिप्लाई करने वाला हूं। मैं आपसे मिलूंगा ऐसे किसी बढ़िया सी अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए RTR Amigo साइनिंग ऑफ RR Vlog।